चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इंडिपेंडेंट टीवी सेट टॉप बॉक्स की अनबॉक्सिंग। इन्होंने जो मेंशन किया है वो है स्मार्ट बॉक्स है, ये स्मार्ट पीवीआर, फुल एचडी, यूनिवर्सल रिमोट और साइड पे वाईफाई कनेक्शन इन्होंने वैसे ही दिया है, इसमें वाईफाई नहीं है। अदर साइड पे ये किससे बना है, मैन्युफैक्चरिंग बाय, मार्केटिंग बाय और नेट क्वांटिटी, नेट वेट, क्रॉस वेट और कस्टमर केयर डिपार्टमेंट की सारी इंफॉर्मेशन मेंशन है। और अनदर साइड पे सिर्फ हाउ टू हैंडल इन्होंने बताया है सेट टॉप बॉक्स को। और पिछली साइड पे इन्होंने सीरियल नंबर दिया गया है जिससे हम इस बॉक्स को एक्टिवेट करा सकते हैं। बॉक्स के अंदर चलते हैं तो मेन यूनिट है, तो बॉक्स के फ्रंट पे इंडिपेंडेंट टीवी की ब्रांडिंग दी गई है और एक USB पोर्ट है जो हम रिकॉर्डिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं और एक चैनल चेंज करने के लिए दो बटन और एक ऑन ऑफ का बटन है, टोटल तीन बटन दिए गए हैं। दोस्तों ये एंटीना पोर्ट है जिससे हम अपने एंटीना से इनपुट लेते हैं सिग्नल देने के लिए अपने सेट टॉप बॉक्स को। एक HDMI पोर्ट दिया गया है जिससे हम HD क्वालिटी की वीडियो और साउंड का मज़ा ले सकते हैं और साथ में AV पोर्ट भी अवेलेबल है। और इस पोर्ट का हम इसलिए यूज़ करते हैं अगर हम एक्स्ट्रा बॉक्स को यूज़ करना चाहते हैं और एंटीना एक ही यूज़ करना चाहते हैं तो ये पोर्ट यूज़ किया जा सकता है। इससे आप दो बॉक्स चला सकते हो एक ही एंटीना से। उसके बाद आता है हमारा जिससे हम इसको पावर सप्लाई देंगे बॉक्स को, वो वाला पोर्ट। उसके बाद चलते हैं यूज़र मैनुअल पर। इसमें कुछ ज़्यादा मेंशन नहीं किया गया, सिर्फ इसकी जो पोर्ट अवेलेबल किए हैं इन्होंने उसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन। दोस्तों रिमोट की बात की जाए तो इतनी अच्छी क्वालिटी का रिमोट नहीं है, प्लास्टिक क्वालिटी का रिमोट है तो आपको बहुत ही सावधानी से इसको यूज़ करना पड़ेगा। पर इसकी अच्छी बात है ये यूनिवर्सल रिमोट है, इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम आती भी है तो आप मार्केट से नया परचेज कर सकते हो आसानी से। दोस्तों एक HDMI केबल दी है जिससे हम HD क्वालिटी का साउंड और वीडियो का मज़ा ले सकते हैं। जो स्मार्ट टीवी यूज़ करते हैं उनके लिए काफ़ी अच्छी बात है कि HDMI पोर्ट का यूज़ कर सकते हो और जो सिंपल टीवी यूज़ करते हैं उनके लिए भी इसमें पोर्ट अवेलेबल है AV का, तो आप निश्चिंत रहिए दोनों टीवी में ये चलेगा। और उसके बाद इसमें एक AC अडैप्टर है काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है और इसमें सब कुछ मेंशन है, AC DC वोल्ट, कितने वोल्ट पे ये चलता है, कितने वोल्ट पे नहीं चलता, इसका सीरियल नंबर सब कुछ मेंशन है, अच्छी क्वालिटी का लग रहा है मुझे। और लास्ट में दोस्तों दो बैटरी सेल दिए गए हैं जिससे आप अपने रिमोट में इसको यूज़ कर सकते हो। दोस्तों इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर एज वेल, क्योंकि स्टार्टिंग है मेरे चैनल की, तो मैं आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी हो। शुक्रिया दोस्तों, देखने के लिए धन्यवाद।